जनाब अभी वो मामला इस तरह है कि जो एहसन जमील गुजर साहब के वालिद साहब, जो आपको पता है कि पीएमएलएन के एक एमपीए भी हैं और स्पीकर भी हैं, स्पीकर खास करा उन्होंने, तो उनका एक पेट्रोल पंप है जो जब आप गुजरांवाला के अंदर दाखिल होते हैं लाहौर की तरफ से जाते हुए तो राइट साइड पे एक पेट्रोल पंप आता है। अब पेट्रोल पंप के लीज खत्म हुए थे या जो तजावजात से बने हुए थे वो सारे तो गिरा दिए गए, लेकिन ये जो पर्टिकुलर पेट्रोल पंप है इसके हवाले से जिसको जब इन्होंने कहा डीसीओ साहब ने कि जनाब आप ऐसा करें कि मुझे अपनी लीज दिखाएं, तो पहले तो वो ताल मटोल से काम लेते रहे, उसके बाद उन्होंने एक लीज का ऐसा कागज दिया जिसके ऊपर आपको याद हो कि पंजाब के साबिक वजीर आला आरिफ नकई के दस्तखत थे। अच्छा, उन्होंने शोएब तारिक साहब ने, यानी जो शोएब तारिक वलायत साहब डीसीओ गुजरांवाला है, उन्होंने वो वजीर आला हाउस को भेजा कि आप इसको कंफर्म करें कि क्या ये रिकॉर्ड के मुताबिक है, क्योंकि वजीर आला जो है वो तो इसका लीज नहीं करता। सही है। उसके बाद उन्होंने ये यही खत जो है महकमा रेवन्यू को भेज दिया, ठीक है, मुतलका डिपार्टमेंट को भेजा और उसको परस्यू किया। जी जी। परस्यू किया कि मुझे इसके बारे में बताएं, तो उन्हें लाहौर से मैसेज दिया गया कि आप इस मामले को छोड़ दें। अच्छा। उन्होंने कहा मैं कैसे छोड़ दूं कि जब मैंने मुस्लिम लीग नून के सारे पीटीआई तो मैं इनका ये क्यों ना दिलाऊं जब इससे मुझे मेरे पास, ये बड़ी हक की बात है, बिल्कुल सही है। तो उन्होंने कहा नहीं आप बात आ गए, तो जाहिर है वो शोएब तारिक फरायज का बात नहीं आए, तो उसका अंजाम उन्होंने बताया गया कि अगर बात नहीं आ रहे तो फिर आप छोड़ दें। तो हबीब भाई ये एहसन जमील गुजर जो है ये इनके भाई का पेट्रोल पंप है, मुबैना तौर पर इनका अपना पेट्रोल पंप है, देखिए इन्हीं के खानदान का है ना। अच्छा, लेकिन एहसन जमील गुजर साहब इसमें पिवटल रहे हैं। और कामन कैसा, मैं आपको भी एक ताजा तरीन बात भी बता जनाब, आज की तारीख में लैया के एक डीएसपी को वहां के आरपीओ ने हथकड़ी लगवा दी। अच्छा, और क्यों? क्योंकि वो तफ्तीश जिस तरह आरपीओ साहब कह रहे थे कि तफ्तीश का ये नतीजा निकलना चाहिए, वो नतीजा नहीं निकल रहा था। अच्छा, अभी साहब साथ रहिएगा, खबर की दुनिया।